रत्ना तुमसे कहा किसने कि जाकर प्यार से कहो कि तुम उन्हें शादी करने वाले हैं। हमारी एंगेजमेंट हो गई है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, इसमें पाप क्या है, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? तुम और मैं शादी तो करने वाले हैं ना, और फिर आनंद धोखा तो मुझे दे रहे हो या उसे? रत्ना मैं ना तुम्हें धोखा दे रहा हूँ ना पिया को। हर चीज को थोड़ा सा वक्त लगता है। Give me some time, please. ठीक है, तुम्हें कितना वक्त चाहिए बताओ? 2 महीने 10 महीने 2 साल 10 साल कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ना मैं जाके पिया को बताने वाला था कि तुम और मैं शादी करने वाले। मैं खुद नहीं चाहता कि बार बार उसके पास जाकर। रत्ना हर चीज का एक तरीका होता है, सलीका होता है। मैं ऐसे ऐसे जाकर उसको कह देता। रत्ना जब चोट लगती है ना तो पट्टी ऐसे से निकाली जाती है ताकि तकलीफ कम हो। नहीं आनंद, अगर चोट लग जाए तो पट्टी एक झटके से खींच देनी चाहिए। दर्द जरूर होता है पर एक बार होता है और फिर खत्म हो जाता है। आहिस्ते आहिस्ते खींचने से दर्द कम जरूर हो जाता है पर बहुत लंबा तक चलता है। रत्ना तुम पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें करो, मुझे समझ में नहीं आता। आनंद यहाँ हम सब पढ़े लिखे हैं और सब समझदार हैं। पिया को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है। तुम पिया से इतना डरते क्यों हो? मैं पिया से नहीं डरता रत्ना। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? तुम मेरी अंगूठी पहन लेते हो, मुझे अंगूठी पहना लेते हो लेकिन पिया को नहीं बता सकते हो। और जिस तरीके से तुम अपनी दुम हिलाते हिलाते उसके पीछे घूमते फिरते हो ना, शी डजंट केयर, शी हैज अ बॉयफ्रेंड। आनंद आकाश और पिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। चलो खबरदार जो तुमने से आगे कुछ कहा। क्यों इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सच नहीं है। ये सच है आनंद, लेकिन तुम ऐसा सोच नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हें अलाउ नहीं करेगी कि पिया तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर सकते। रत्ना पिया किसी और से प्यार नहीं करती। क्यों, तुमने भी तो पिया से प्यार किया फिर रत्ना से प्यार किया तो वो क्यों नहीं कर सकती है? आखिर वो जवान है, खूबसूरत है, शी इज अ मॉडर्न वुमन, उसकी भी जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें होती है औरत की आनंद, शारीरिक होती है।